सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑन योर यूट्यूब चैनल द ब्लॉगर इट कंप्यूटर स्किल्स। तो हमारी पाइथन की ट्यूटोरियल चल रही है जिसमें हमने क्लास और फंक्शंस को पढ़ रहे हैं, क्लास एंड ऑब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो पिछली वीडियो में हमने देख लिया था क्लास एंड ऑब्जेक्ट होता क्या है। आज की वीडियो में एक और प्रोग्राम बनाकर देखेंगे जिससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं मेरा वी एस कोड ओपन कर रखा है मैंने, तो यहाँ पर हम एक प्रोग्राम बनाएंगे एडिशन का क्लास एंड ऑब्जेक्ट के थ्रू, ठीक है। और अगर आपने अब तक मेरे YouTube चैनल द ब्लॉगर इट कंप्यूटर स्किल्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलो बिना कोई देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्लास बनाने का फंडा होता है हमारा क्लास का नेम। तो क्लास का नेम मैं दे रहा हूँ यहाँ पर TEST। क्लास का नेम का फर्स्ट वर्ड हमारा अपर लेटर में ही हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर एडिशन का वो बना रहा हूँ तो डिफाइन कर लेता हूँ। डिफाइन करना पड़ेंगे हमको हमारे वेरिएबल्स, तो इसलिए मैं पॉइंट वेरिएबल के नाम से ही एक उन्हें कॉल करने के लिए एक और फंक्शन को यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। अब इसके अंदर हम हमारे वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने वाले हैं। अब हमें कुल मिलाकर 3 वेरिएबल चीते हैं पर इसमें हम 2 करेंगे और यहाँ पर एक कीवर्ड का यूज़ कर रहे हैं सेल्फ, ठीक है। SELF सेल्फ सेल्फ का यूज़ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें कोई भी चीज़ को रेफर करना रहता है, तो इसलिए सेल्फ कीवर्ड का यूज़ यहाँ पर किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर हमने लगा दिया सेमी कॉलोन। इतना हो गया फंदा हमारा क्लियर। हम यहाँ पर एस में हम रिजल्ट ले लेंगे A+B का, ठीक है। और ये हो जाए तो रिटर्न हमें क्या हो जाए, एस में, क्योंकि हमारा रिजल्ट रहेगा। ये बन गई हमारी क्लास। अब इसका यूज करना है हमें, तो एडिशन करवाना है तो 2 वैल्यू लेना पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम A=2 इंट में ले लेते हैं इनपुट, और इनपुट के अंदर लेंगे हम इंटर फर्स्ट वैल्यू, ठीक है। हम वही सेकंड सेम ऐसा कैसा कर लेते हैं, मैं यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ। आप कृपया करके कॉपी पेस्ट ना करें क्योंकि आपको फिर कोड वगैरह याद नहीं रहेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम सेम एक ही जगह यहाँ पर क्या कर देंगे B, ठीक है। अब क्लास तो बना ली थी हमने ऊपर, अब क्लास को यहाँ पर ऑब्जेक्ट के अंदर हम निकाल लेते हैं। तो ऑब्जेक्ट के अंदर निकालने के लिए मैं यहाँ पर सीधा सा फंडा यूज़ कर रहा हूँ, OBJ के अंदर ही निकाल रहा हूँ। आप किसी के भी अंदर निकाल सकते हैं इसको, कोई भी नाम के अंदर निकाल सकते हैं, बट मैं OBJ के अंदर यहाँ पर निकाल रहा हूँ इसे। तो क्लास का नाम क्या था हमारा, टेस्ट। ये हमने हमारा फंक्शन बना दिया, ठीक है। अब S=2 कर दिया मैंने, S को यहाँ पर कॉल कर लिया। S का जो भी फंक्शन चलेगा वो इसके अंदर चलेगा, और OBJ.  जो हमारी वैल्यू रहे वो कहाँ में चल जाए, हमारी फाइंड सम के अंदर, ठीक है। फाइंड सम के अंदर फर्स्ट वैल्यू जाए A के अंदर और सेकंड वैल्यू जाए B के अंदर, इसलिए हमने यहाँ पर कुछ इस तरह से लिख लिया है। और सम को हमने कॉल किया था S के अंदर, तो यहाँ पर प्रिंट करवा देंगे हम S को, OBJ उनको S के अंदर जो प्रिंट करा था हमने, यहाँ पर प्रिंट कर देंगे सम इज सेमी कॉलोन करके हमने ये मैसेज बना लिया, और इसी के आगे हमारा रिजल्ट प्रिंट हो जाए, ठीक है। मतलब कुल मिला के क्लास एंड ऑब्जेक्ट से हमारा फ़ायदा क्या हो रहा है कि हमें अगर प्लस करना है तो भी हम इस क्लास को यहाँ पर कॉल कर सकते हैं, तो इतना कोड हमें यहाँ पर लिखना ना पड़े, बार बार इसका यूज़ करना इतना सा लिखे और ये चीज़ हमारी एग्जीक्यूट होती रहेगी। अब बिना कोई देरी किए इसको हम रन कर देखते हैं, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर रन कोड किया, तो यहाँ पर ये बहुत सारी एरर्स यहाँ पर ये शो कर रहा है। अब एरर क्या है हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। क्या बोल रहा है ये, इंटर फर्स्ट वैल्यू एंड
कॉल लास्ट वैल्यू, मतलब ये हमारी एरर यहाँ पर कुछ है इंटर फर्स्ट वैल्यू और ऑब्जेक्ट टेस्ट के अंदर, ठीक है। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा चेक करते हैं, यहाँ पर स्पेस देते हैं, यहाँ पर स्पेस देते हैं, फिर कंट्रोल एस करते हैं और यहाँ पर भी हम थोड़ी सी स्पेस दे देते हैं, यहाँ पर इसमें कोई गड़बड़ी हो रही हो तो। ओबीजे डॉट फाइंड नेम, बाकी तो पूरा ठीक ठीक ही लग रहा है मुझे। तब हम इसे कंट्रोल एस करके फिर से रन करते हैं, ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये फर्स्ट वैल्यू मांग रहा है, तो हम यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू देने वाले हैं 5 और 3, कितने हो गए 8। जैसा कि आप देख सकते हैं क्लास एंड ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने यहाँ पर एडिशन का एक प्रोग्राम बना लिया है। अब सेम अगर आपको माइनस का बनाना है तो यहाँ फॉर्मूले में चेंज कर दीजिए, कंट्रोल एस कीजिए, फिर कोड को रन यहाँ पर कर दीजिए, ठीक है। तो आपका वो भी चल जाएगा, पर अभी यहाँ पर कुछ इरर आ गई है, कुछ दिक्कत हो चुकी है इसमें, चेक कर लेंगे हम उसे भी। बट एडिशन का ये कुछ इस प्रकार से आपका प्रोग्राम बन जाता है, जो कि बहुत ही इजी वे में मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना रखते हैं, क्लास ऑब्जेक्ट को आप बहुत ही इजी वे में समझ चुके होंगे। तो हम मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर जरूर कीजिएगा।